अस्सलाम वालेकुम, आज कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। हमारे घर इमाम हसन का दस्तरखान है, जिसके एहतमाम में यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ। खीर हम इस तरीके से अपने बर्तन में डाल लेंगे। खीर हमारी तैयार हो गई है। को हमने डेकोरेट कर दिया है। ये हम शामी कबाब बना रहे हैं। कबाब हम फ्राई कर रहे हैं। हमने फ्राई कर लिए। हम पुदीने, धनिया और हरी मिर्च इमली की चटनी बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीना डालेंगे, धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, लहसुन, नमक और ये मैंने इमली का पल्प निकाल के रखा है। काफ़ी ज़्यादा मैं ये चटनी बनाती हूँ, तो मैं ये दो दफ़ा करके बनाऊँगी। ज़ीरा डालेंगे। चटनी हमने पीस ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार की ये चटनी लगती है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा बनाकर रखती हूँ ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सारी चटनी पीस ली। ये हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है, जो भी कोई आता है इस चटनी को बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा ये मैंने चटनी पीसी है। मिक्स सब्ज़ी हम बनाएंगे। आलू, मेथी, गोभी, गाजर, सिंगरे, मटर, टमाटर, हरी मिर्चें। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, आलू डालेंगे, गोभी डालेंगे, गाजर डालेंगे, सिंगरे डालेंगे, मटर डालेंगे, मेथी डालेंगे। छोटी मिर्ची डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पीसी हुई डालेंगे, टमाटर डालेंगे। और मैं ये सब्जी इसी तरीके से सौंध के चढ़ाती हूँ। हरी मिर्ची डालेंगे। आप लोग भी एक बार इस तरीके से बना ज़रूर बनाएं। बहुत मज़े की है सब्ज़ी, इस तरीके से बनती है। और इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। सारी सब्ज़ी हम इसे मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे। सारी सब्ज़ी हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसे हम ढककर पकाएंगे इतनी देर तक कि ये सारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरीके से गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सब्जी भी हमारी तैयार हो गई है और इसमें से पानी सारा खुश्क हो गया। इस तरीके से हम भूनेंगे। सब्जी हमने अच्छी तरीके से भून ली है, इसमें से पानी सारा खुश्क हो गया है। और ये देखें, बिल्कुल खुश्क हमारी सब्जी तैयार हो गई। अब हम इसे उतार लेंगे। कीमा शिमला मिर्च बनाएंगे। गरम मसाला डालेंगे साबुत। कीमा डालेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे अच्छे तरीके से मसालों को भूनेंगे। हरी मिर्च, टमाटर डालेंगे, पानी डालकर इसे कीमे के गलने तक पकाएंगे।
कीमा अच्छी तरीके से गल गया, अब हम इसको भुनाई करेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे, और फिर भुनेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि इसमें जो हमने शिमला मिर्च डाली है वो अच्छी तरीके से गल जाए, और ढक के पकाएंगे। मान रहे हैं शिमला मिर्च अच्छी तरीके से गल गई है, अब इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, सालन को अब हम उतार देते हैं। हमने पालक गोश्त पकाना है, इसमें हम पहले पालक को उबालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, और इसमें हमने पानी नहीं डालना, पालक का अपना पानी होता है। थोड़ी सी मेथी डालूंगी मैं, और इसको हम पकाएंगे, बॉयल आ जाएगा इसमें, फिर हम इसको पीसेंगे। ये देखें कितना ज़्यादा पालक हमारा था, और इसमें से ये पानी पालक का खुद ही निकला है। ये देखें इसका अपना पानी है, इसी पानी में ये पालक गल जाता है। इसको अच्छी तरीके से हमने पकाना है। ये अच्छी तरीके से गल गया है पालक। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के, ठंडा करके ब्लेंडर में डाल के इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। अब हम चिकन पालक बनाएंगे, इसके लिए हम तेल डाल रहे हैं, प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारे गोल्डन हो गए, अब हम इसमें चिकन का गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हमने इतना भूनना है कि पिंक से वाइट कलर में आ जाए। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और अच्छी तरीके से इसे भूनेंगे। अच्छी तरीके से हमने मसाला भून लिया, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और दही डालेंगे। इसके साथ अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, और इसको ढककर हम पकाएंगे ताकि टमाटर भी गल जाए। ये देखें माशाल्लाह सालन बहुत अच्छी तरीके से हमारा पक रहा है। टमाटर जो हमने डाले थे वो भी भूल गए हैं, और गोश्त भी गल गया है। अब इस पॉइंट पे हम अच्छी तरीके से भून के इसको से भून लिया, और ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हमने ये पालक, मेथी और हरी मिर्चें ब्लेंडर में डाल के पीस लिए जो हमने पकाया था, और इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरीके से हम बर्तन को साफ करेंगे। अब इसको हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनेंगे, और इसमें नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्चें भी पीसी थी, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेथी थोड़ी सी डाली थी, उससे बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है, और ये बहुत ही मज़ेदार चिकन पालक बनता है। ये देखें सालन हमारा तैयार है, पालक गोश्त, पालक चिकन। सालन हमारा तैयार है, पालक चिकन जो हमने बनाया था, और घी भी देखें साइडों में आपको नज़र आ रहा है, ये साइडों में घी से छोड़ दिया।
अब हम इसे ढक के उतारेंगे। ये अब हम ग्रीन कलर का केक बना रहे हैं, विदाउट ओवन बनाएंगे हम इसे। कुकर में बनाना बताया हुआ मैंने आप लोगों को, उसमें बना रही हूँ। ये मैंने पहले से कुकर प्रीहीट करके करने के लिए रखा हुआ था। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांचे को रखेंगे आराम से और इसको बेक करेंगे। हमारा तैयार हो गया, अब हम इसको आराम से ध्यान से निकाल लेंगे। ये मैंने ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर दिया है। ज़बरदस्त सा केक हमारा बनके तैयार है। ग्रीन कलर की मैक्रोनी बना रहे हैं, इसमें मैंने ग्रीन कलर डालकर इसे बॉईल कर लिया है। सॉस बना लिए, ये हमने बनाया है स्पाइसी रोमा चीज़ पास्ता हम बना रहे हैं। ये हम मैक्रोनी डाल रहे हैं इसमें वाइट सॉस में, ये थोड़ी सी स्पाइसी होता है। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर चीज डालेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। ये भी हमारी तैयार हो गई डिश। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी चीज़ी बनी है। चीज़ देखें, ये देखें, ये देखें ज़बरदस्त इसके चीज़ के लेयर बन रही हैं। मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ, जिसके लिए मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। प्याज फ्राई हो गए, मैंने निकाल लिया। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मिर्चें, हल्दी, नमक, धनिया ये डालेंगे और ये होममेड कोरमा मसाला जो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, उन्हें बना के खुद डालती हूँ इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, मेरे चैनल पे मौजूद है। हमने अच्छी तरीके से मसालों के साथ भून लिया। अब हमने जो प्याज ब्राउन करे थे और दही को ब्लेंडर में डाल के पीसा है, ये हम डालेंगे और इससे फिर हम भुनाई करेंगे। अच्छी तरीके से हमने इसे भूनना है दही और प्याज का मिक्सचर डालने के बाद। और देखें कितना ज़बरदस्त हमारा सालन बनके तैयार हो रहा है। इसकी रंगत देखें, अच्छी तरीके से मसाला हमने भून लिया है और तेल भी ये देखें सेपरेट हो गया है। अब इसमें हमने जितना शोरबा करना है अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं यहाँ ये पानी डाली जिसमें मैंने दही और प्याज पीसी थी, उसी जग में से पानी लेके डाला है। और इस पॉइंट पे हम नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम लगे तो नमक डाल सकते हैं। माशाल्लाह से हमारा कोरमे का सालन भी तैयार हो गया। बस इसे अच्छी तरीके से पक जाइए, फिर मैं इसे उतार लूँगी। इसे मैं ढक्कन पकाती हूँ। डिज़र्ट हम बना रहे हैं, यहाँ मैंने मारी बिस्किट लगाए हैं दूध में डिप करके और केले रखे, और इसके बाद हम ये कस्टर्ड इसके ऊपर पोर करेंगे। साइडों में क्रीम रखी है। मटर वाले पुलाव हम बना रहे हैं, यहाँ मैंने प्याज और साबुत गरम मसाला डालकर इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें लाल पानी टमाटर डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक डालेंगे, काफी बटर डालेंगे, मटर डालेंगे। अच्छे तरीके से हम मिक्स करके और इसे ढक कर पकाएंगे ताकि ये टमाटर भी हमारे गल जाए और मटर भी। थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ, अगर आप लोग भी पसंद करें तो डाल सकते हैं। ये हमने आइसक्रीम मिल्क सोडा बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर हमारे गल गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये रसगुल्ले हमने इसमें ग्रीन कलर लगा दिया, वाइट थे इसमें मैंने ग्रीन कलर और बादाम के साथ डेकोरेट करा है। ये मैंने फाइन आटा गूंद के इसके पेड़े बना लिए, इसके हम पराठे बनाएंगे। और मैं बहुत छोटे छोटे पराठे बनाती हूँ, इस तरीके से पेड़े बनाने के बाद इसमें हम आटा डस्ट करेंगे और इसको फैलाएंगे अच्छी तरीके से। बड़ी रोटी बेल लूँगी मैं, रोटी मैंने बेल ली। अब मैं इसमें ये मैंने घी को मेल्ट कर लिया, घी ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से फैलाएंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर फाइन आटा डस्ट करेंगे, इससे लेयर बहुत अच्छी बनती है पराठे में। और इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। एक ही दफ़ा बेलने से काफ़ी ज़्यादा पराठे हमारे बन जाते हैं और बहुत छोटे छोटे मैं ये पराठे बनाती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखें ये हमने इस तरीके से रोल बना लिया और एक जैसा कर लेंगे ताकि ये ना कोई छोटे बड़े, अगर बन भी जाते हैं छोटे बड़े तो कोई बात नहीं, बस एक तरह अच्छे लगते हैं, खूबसूरती आती है पराठों में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये छोटे छोटे मैं काटूंगी इस तरीके से। अब सारे पेड़े काटती है और कितनी अच्छी ज़बरदस्त लेयरिंग वाले ये देखें पराठे बनेंगे छोटे छोटे। इस तरीके से मैं इसे अब ढक के रखूंगी और दूसरे पेड़े को इसी तरीके से बनाते हुए सारे पेड़े बनाकर दूंगी। मैंने सारे पेड़े बना लिए, यहाँ भी बना के रखे हैं कुछ, ये बनाए हैं और ये मैंने इस तरीके से मैं छोटे छोटे पराठे बेल बेल के इसे मैं फ्राई करूँगी। रहीम, मैं इसमें छोटे छोटे ये पराठे अपने पका रही हूँ इस तरीके से। ये देखें ये मैंने छोटे छोटे पराठे बना के इधर उतार के रखे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तरखान पे सारी चीज़ें आ गई हैं और हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं मौला पंडित पाक के सदके। इसी तरीके से दस्तरखान वसी तर वसी रहे, हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, मुझे मेरे शोहर को, मेरे बेटों को, बेटियों को, बुओं को, दामादों को, नवासा नवासियों को, पोता पोतियों को, मेरे मालिक खालिक परवरदिगार सेहत तंदुरुस्ती के साथ हम सबको मिलजुल के इसी तरीके से ये खुशियाँ देखनी नसीब अता फरमाए। और दुआ करती हूँ कि इस बाबरकत दस्तरखान के सदके हमारी जितनी भी जायज़ हाजात हैं उन सबको पूरा करें और तमाम मोमिन मोमिनात को इमाम हसन का दस्तरखान बहुत बहुत मुबारक हो। और ये दस्तरखान हमने जो सजाया है मौला इमाम हसन का दस्तरखान, मौला इसे कबूल करें। और आप लोगों से सबसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी इमाम हसन का दस्तरखान ज़रूर अपने घर में करें। अगर आप लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकता तो जो भी आप घर में अपने घर में चीज़ें बनाते हैं उसे बनाएं और दस्तरखान पर रखें और इमाम हसन की नज़र दिलवाएँ। और रिज़क की बरकत के लिए भी आप लोग ये दस्तरखान कर सकते हैं, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं और बहुत ही मुजर्रब ये दस्तरखान है। इस दस्तरखान से आप जो भी चीज़ जिस नियत से करके खाएंगे कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे तो सेहत होगी आप लोगों को। रिज़क की बरकत के लिए आप लोग करें और आप लोग अपने बेटों की बेटियों के लिए, जो रिश्तों के लिए परेशान हैं उनके लिए करें दस्तरखान, उनकी दुआएं मांगें और अपने बेटों की रोज़ियों में बरकत के लिए, अपने शोहर की रोज़ी की बरकत के लिए। मैं कहती हूँ ये दस्तरखान और ये लशपाल घराना इतना बाबरकत है कि अगर हम इनके तवस्सुल से मांगें तो यकीन करें कि हमारी तमाम दुआएं ज़रूर पूरी होती हैं। और मैं मौला से दुआ करती हूँ, मौला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ये दस्तरखान करना नसीब करें। इस दुआ के साथ आप सब लोगों को इमाम हसन का दस्तरखान बहुत बहुत मुबारक हो। और कद दस्तरखान के सदके कोई भी मेरे बहन भाई किसी मुश्किल में है, कोई परेशानी है, कोई रोज़ी में रोज़ी की वजह से परेशान है, तो मौला पंचतंत्र पाक के सदके इस दस्तरखान के वसी दस्तरखान के सदके तमाम की परेशानियां दूर हों। जो कोई बीमार है उन्हें बीमारी करबला के सदके सेहत नसीब अता फरमा। और मेरे मालिक खालिक जो बच्चियाँ बच्चे जो शादी के लिए बैठे हैं और उनका बर नहीं मिलता, तो मौला पंचतंत्र पाक के सदके इस बाबरकत दस्तरखान के सदके उनके नेक नसीब कर, नेक लोगों से वास्ता लगाए, बेटियों के लिए बेटों के लिए नेक और नेक साले हम लोगों को जो रिश्ते हैं वो हम लोगों को मिलें, बेटियों के लिए अच्छे बर मिलें, बेटों के लिए भी अच्छी जोजा हम लोगों को नसीब अता फरमा। मेरे मालिक खालिक इस दस्तरखान के सदके जितने भी बेरोज़गार हैं उन्हें आला रोज़गार अता फरमा, बीमारों को सेहत याबी अता फरमा, जिनकी जो जो ख्वाहिशात हैं उनको इस इमाम हसन दस्तरखान के सदके पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
इसी दुआ के साथ इस इमाम हसन का दस्तखान आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तरखान, मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तरखान। करम करम अल्लाह नबी का, करम करम बीबी जहरा का, करम करम अल्लाह नबी का, करम करम बीबी जहरा मौला का दस्तरखान। मेरे घर में सजा है दस्तरखान, मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तरखान, मेरे घर में सजा।